यह वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। A&A क्रिएटिव वर्ल्ड में एक और नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज का टॉपिक है वाटर, पानी। क्या पानी वाकई 2030 में ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया में से? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हमें देखना यह है कि एक तरफ तो हमें पढ़ाया जाता है स्कूलों में कि ये वो सोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उसमें पानी की गिनती की जाती है, और दूसरी तरफ इतनी खबरें मिल रही हैं, इतनी अफवाहें मिल रही हैं कि 2030 तक जो है पानी ख़त्म हो सकता है या ख़त्म हो जाएगा या बहुत कम हो रहा है, हमें पानी बचाना चाहिए। क्या हमें वाकई ऐसा करना चाहिए? दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर आपको क्लियर कर दूँ कि पानी वाकई बचाना चाहिए हमें, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बहुत अनमोल चीज़ है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि ये पानी कैसे ख़त्म हो सकता है, कैसे कम हो सकता है। पानी दोस्तों, हम जानते हैं कि इंसान के शरीर में जो है 70% तक पानी होता है और 71% तक पानी जो है पूरी दुनिया में है, और उसमें से भी 97% पानी जो हमें मिलता है वो समंदर का पानी होता है खारा, और 2% पानी हमें बर्फ़ के रूप में मिलता है इस दुनिया पे, इस धरती पे, और जो 1% बच गया वो हमें क्लियर वाटर मिलता है पीने के लिए, और वाष्पीकृत हो जाता है जो पानी अपने एटमॉस्फेयर में मिलता है। तो 1% पानी है जो हमें मिलता है पीने के लिए। अब यहाँ पे हमने बहुत सारी रिसर्च की कि बहुत सारी खबरें मिल रही हैं कि पानी का आखिर होगा क्या समय बीतने के साथ साथ, और जैसे लोग बहुत वेस्ट करते हैं पानी को, तो वाकई ये कम भी हो रहा है। और आजकल क्या है कि लोगों ने सबमर्सिबल लगाए हैं घरों में, क्योंकि पानी का स्तर नीचा हो गया है। पहले हैंड पंप के साथ ही काम चल जाता था, तो वाकई ये कम हो रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसका कारण ये भी है कि बहुत सारे पेड़ जो हैं काटे जा रहे हैं, वनस्पति ख़त्म की जा रही है। वनस्पति क्या करती है कि वर्षा कराने में पेड़ों का बहुत हाथ होता है, तो इसको हमें काटना नहीं चाहिए। जहाँ पे ट्रीज़ होंगे वहाँ पे पानी की कमी नहीं होगी, जहाँ पे ट्रीज़ नहीं होंगे वहाँ पे पानी की कमी हो सकती है। तो हमने बहुत सारी रिसर्च की इसके ऊपर, और हमने पाया कि एक इंसाइक्लोपीडिया साइंस का जो था उसमें से हमें एक रेफरेंस मिली कि आज से 2 अरब साल पहले जितना पानी था धरती पे, आज भी उतना ही पानी है, जबकि उस समय किसी मनुष्य का नामो निशान तक नहीं था इस धरती पे। उसके बाद मनुष्य आए, उन्होंने बहुत सारा पानी यूज़ किया, फिर भी उसके बावजूद भी उतना ही पानी है आज भी धरती पे जितना उस समय, मतलब के 2 अरब साल पहले था। तो इसका मतलब ये है कि पानी ख़त्म नहीं होगा, पानी कम हो सकता है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि जहाँ पे पेड़ों की कमी होगी वहाँ पे पानी कम हो सकता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे पानी पीने को नहीं मिलता, खारा पानी मिलता है, वो समंदर का पानी फिल्टर करके पीने लायक बनाते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं, तो उनको बहुत सारी दिक्कत आती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पानी को बचाना चाहिए। हमने ये जान लिया कि पानी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बर्बाद करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं पानी को, जितनी ज़रूरत हो उतना ही लेते, उससे ज़्यादा लेते हैं, उसको फिर बाकी को फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको पानी क्लियर मिलता ही नहीं। और एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि 30% लोग घरों में ऐसे हैं जिनके पास घरों में पीने लायक सेफ पानी और क्लियर पानी नहीं पहुंचता, नहीं मिलता। 30% घरों में सेफ पानी नहीं मिलता पीने वाला क्लियर। तो इसलिए हम कहते हैं कि पानी को सेव करना चाहिए, ट्रीज़ को सेव करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, उसके लिए कदम उठाने चाहिए।
अगर हमें आधे गिलास पानी की ज़रूरत है तो हमें आधा ही लेना चाहिए, पूरा नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ज़्यादा पानी ले लेते हैं और वेस्ट कर देते हैं। घरों में सबमर्सिबल लगे हैं, हमने देखा है कि लोग अगर हैंड वॉश करना होते हैं तो तब भी सबमर्सिबल मोटर का बटन जो है दबा लेते हैं, इससे पानी वेस्ट जाता है। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, पानी को रिसाइकल करना चाहिए। सेव एनवायरनमेंट, सेव वाटर, बी हैप्पी। आने वाली पीढ़ियों को हमें ये शिक्षा देनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी क्रिएटिव।